ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कौन लोग हमें बर्बाद करते हैं? यह लोग आपके दोस्त हो सकते हैं, यह लोग आपके आसपास हो सकते हैं, यह लोग आपके परिवार में हो सकते हैं, और यह लोग आपके बीच हो सकते हैं, और आप इन्हें पहचान भी नहीं पाते हैं। बर्बाद होने के बाद हमें फिर ये परेशानियाँ झेलना पड़ती हैं। कौन लोग हैं जो हमें बर्बाद कर सकते हैं? ये जानना आज के इस युग में आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ये जान लेंगे, आपका धन का हानि आप बचा सकते हैं, अपने वक्त की हानि को बचा सकते हैं, और बहुत सी चीज़ें जो हैं आपकी इस जीवन में आप बचा सकते हैं। तो ये जाने, इस वीडियो को अगर आप पूरा देखें तभी इस वीडियो को पूरा देखें, नहीं तो फिर आप कमेंट्स करते हैं कि हमें चीज़ें समझ नहीं आई, और बहुत सी बातें आप कमेंट्स में लिखते हैं। वीडियो को पूरा देखें, अगर नहीं देखना है तो आप यहीं से छोड़कर जा सकते हैं। दोस्तों, उससे पहले एक निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट्स में भोलेनाथ का कोई एक नाम लिखें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और अगर अपने खुली का एनालिसिस हमसे करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल ही रहे हैं, या व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात जरूर करना। सबसे पहली बात कि अगर कोई इंसान आपको जो बर्बाद करने वाला है वो आपको लालच और कर्ज की ओर धकेलेगा, वो कोई भी हो सकता है। कर्ज जितनी हमारी कमाई हो उससे कम लिया जाए वो कर्ज होता है, लेकिन लालच, हमारी कमाई कम है और लालच में हम बहुत ज़्यादा कर्ज के लिए कोई मोटिवेट करता है या कोई व्यक्ति हमें कहता है कि आप ऐसा कर लो, वो कर लो, वो केवल और केवल हमें तकलीफ़ की ओर, बर्बादी की ओर ही धकेल रहा है। रिस्क जो है अलग विषय है दोस्तों। रिस्क का मतलब ये होता है कि हमारी कमाई है, हमने कुछ लोन लिया, उससे हमने काम शुरू किया, ठीक है, हम असफल हुए, कोई बात नहीं, हम उस चीज़ को भर देंगे। लेकिन जो लोग हमें कमाई से, इन सब चीज़ों से बहुत आगे धकेल देते हैं, ऐसे बहुत लोग होते हैं दोस्तों। आपको ब्याज पे पैसे देंगे, आपको कर्ज का पैसे देंगे, आपको मोटिवेट करेंगे, खुद पार्टनर भी बनेंगे, आर्थिक रूप से लगाएंगे, तो ये लोग हमें सिर्फ और सिर्फ तकलीफ में डालते हैं। बाद में फिर ये हाथ छोड़कर चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहना है। दूसरे वो लोग जो लोग आपको नशे की ओर धकेलते हैं। नशा कोई भी व्यक्ति स्वतः ही नहीं करता है, उसके मित्र दोस्त कुछ लोग हैं जो उसको नशे की ओर धकेलते हैं। बस धीरे धीरे व्यक्ति नशे की ओर चले जाता है और उसे पता भी नहीं लगता है कि कब वो एक ऐसी दुनिया में प्रवेश कर चुका है जहाँ से वो रोज़ बाहर निकलना चाहता है पर निकल नहीं पाता। उसका सबसे सरल तरीका है वो लोग, वो दोस्त मित्र जिनके बीच आप नशा करते हैं उनसे दूरी बना ले। दूसरी बात होती है कि दूरी बनाने के साथ साथ आप खुद को मोटिवेट करें, अपने परिवार का ख्याल रखें, अपने माता पिता, बच्चे, जो भी फैमिली मेम्बर है उनके बारे में सोचें, क्योंकि वो हैं तभी आप हैं, क्योंकि आपको इतना बड़ा किया या यहाँ तक आप पहुँचे, आपकी सफलता सब में उनका हाथ है, तो उनके प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। तीसरी बात होती है जो लोग कभी भी किसी भी व्यक्ति के साथ छल कपट करने के लिए डरते नहीं, वो छल कपट करने में बिल्कुल भी डरते नहीं, ये लोग खुद तो फंसते हैं साथ में हमें भी फंसाते हैं, क्योंकि हम अगर इनके साथ ही संगति करेंगे तो हमें भी तकलीफ आ सकती है, हम फिर बाद में पछताते हैं, पर तब हमारे पास वक्त नहीं होता है सिवाय पछतावे के। तो अगर ये बातें अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना। ओम नमः शिवाय।